होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा नगर पालिका में कार्यरत स्टोर कीपर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगर पालिका में हड़कंप मच गया। आनन फानन में नगर पालिका की पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। वहीं अब नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही है। साथ ही नगर पालिका कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने से नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं संक्रमित नगर पालिका स्टोर कीपर के घर पूरा प्रशासन एवं स्वास्थ्य अमला पहुंच गया है, जिसे कोविड सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों नगर पालिका के कर्मचारियों के सैंपल लेकर उनका कोरोना वायरस टेस्ट कराया गया था। इसके बाद नगर पालिका का एक स्टोर कीपर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नगर पालिका में लगभग 200 कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 40 कर्मचारी नगर पालिका कार्यालय में कार्य करने वाले हैं। वहीं अब कर्मचारियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करने के कयास भी लगाए जा रहे। साथ ही ग्राम बी जमानी का भी एक युवक पॉजिटिव पाया गया है। युवक की बाहर जाने की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो युवक कहीं बाहर गया था, ना ही परिवार में कोई सदस्य बाहर से आया है। विगत दिनों युवक को सर्दी खांसी की शिकायत थी, जिसको लेकर युवक सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आया था, जहां पर उसका कोरोना सैंपल लिया गया था। सैंपल देने के बाद से युवक होम क्वारंटाइन था। बीएमओ कांति बौथम ने बताया कि उक्त व्यक्तियों के 28 जुलाई को सैंपल लिए गए थे, जिनमें से आज 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक टीम को ग्राम बी जमानी भेजा गया है, वहीं एक टीम नगर पालिका कर्मी के घर भेजी गई है। वहीं सभी नगरवासियों से अपील है कि रक्षाबंधन का त्योहार अपने घरों में ही मनाएं, साथ ही जो जहां है वहीं रहे, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। आज सिवनी मालवा में 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई और उनके 28 तारीख को सैंपल लिए गए थे और 28 से ही वो होम क्वारंटाइन में थे। अभी उनको किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर उनका इलाज है, उनको सीसीटी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। मैं तो सभी से हाथ जोड़कर अब निवेदन करूंगी कि सिवनी मालवा के समस्त लोगों से इस चीज के लिए मैं निवेदन करती हूँ कि सभी लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आना जाना करते हैं तो किसी तरह से किसी से भी अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो संक्रमित हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि इस समय अपन त्योहारों को घर में बैठ के मनाएं और परिवार के साथ में घर में रहकर सुखी रहें। खुश रहें।